बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज मेरे घर से स्कूल के सफर में आपसे मैं एक चीज पे बात करूंगा, मैं अपनी राय दूंगा आपको टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के। देखिए, मेरी ओपिनियन ये है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये जो प्रोफेशन है ना, ये काफ़ी अंडररेटेड प्रोफेशन है। इसीलिए लोग इस प्रोफेशन में आना इतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब मुझे इतना टाइम हो चुका है इस प्रोफेशन में, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो शायद से बाहर से विजिबल नहीं है। बाहर से जो इस प्रोफेशन में नहीं है वो नहीं देख पाता उन चीज़ों को। मैं आप कैमरा स्विच करता हूँ ताकि आपको अपने सुंदर सफ़र का नज़ारा भी दे पाऊँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर रह करके इस प्रोफेशन की वो दिखती नहीं है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती। नॉर्मली ज़्यादातर इंसान किसी भी प्रोफेशन को उसमें मिलने वाले पैसे से तोला जाता है ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब इस प्रोफेशन में पैसा भी, ऐसी बात नहीं है, पैसा भी ठीक ठाक है। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, देखो सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों से सराउंडेड रहते हैं, बच्चों से घिरे रहते हैं, बच्चों की बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसका मतलब क्या बताता हूँ, देखो हम सब जानते हैं कि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, तो एक तरह से इस प्रोफेशन में जो इंसान है ना, वो हर समय भगवान से घिरा हुआ है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये, मैंने देखा कि बहुत लोगों जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, मैंने काफ़ी लोगों की राय, मतलब कि प्रोफेशन को लेकर के काफ़ी लोगों की ओपिनियन सुनी कि झूठ के बिना काम नहीं चलता है, आज की दुनिया में झूठ बोलना पड़ता है, ये वो, इस तरह की ओपिनियन देखी मैंने। मुझे नहीं पता कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। हाँ, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में मैं आपको, देखो टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि सुबह से शाम तक आपको सच ही सच बोलना है ना, आपको 2+3=5 ही बोलना है, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस प्रोफेशन की कि आपको झूठ का सहारा लेने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। हो सकता है बाकी में भी ना पड़ती हो, मैं जानता नहीं हूँ, बट मैंने सुना जो लोगों से, ठीक है, लोग अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए काफी बार ये बहाने भी बना सकते हैं। तो अब तीसरी बात मुझे इस प्रोफेशन की जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि इस प्रोफेशन में आपके पास नए स्किल सीखने का बहुत टाइम है ना। जैसे अगर आप किसी और प्रोफेशन में होते हो तो अगर आपको कोई नया स्किल अक्वायर करना है तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब से हट के उसको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोफेशन में आप अपनी जॉब के साथ भी नए स्किल्स को इजीली एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपको किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है और आप उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखना चाहते हैं, तो आप अपने स्कूल में ही आपको म्यूजिक टीचर मिल जाएगा, है ना, और आप अपने बच्चों की म्यूजिक पीरियड के साथ टीचर के साथ टाइम स्पेंड, मतलब कि उस टीचर के पास जा सकते हैं जब आपके बच्चों का म्यूजिक पीरियड है। इससे आपके प्रिंसिपल भी जो है खुश होंगे कि हाँ, ये अपने फ्री पीरियड में भी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करें, तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लिया जाएगा। और सपोज आपको कोई स्पोर्ट्स सीखना है तो आप, हर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर होता है, आप अपने बच्चों के स्पोर्ट्स पीरियड में, या फिर इनफैक्ट हम ऐसा भी करते हैं बहुत बार कि 10 दिन में एक दिन बच्चों को, चलो बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करी है या फिर अच्छे मार्क्स लिए टेस्ट में, तो चलो हम आपको आज स्पोर्ट्स में लेके चलते हैं, और स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए अपने बच्चों को लेके जाएंगे, आप खुद भी उस स्पोर्ट्स को थोड़ा सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, है ना। ये तो वही बात होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये इस प्रोफेशन की तीसरी बात है जो मुझे लगता है कि बाकी किसी प्रोफेशन में मिलनी मुश्किल है।
और मुश्किल मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशन में मिलती होगी। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे स्कूल में और ये मेरी पार्किंग को आज फिर हड़पाने की कोशिश की जा रही थी इस टीचर के द्वारा, लेकिन इसने मुझे देख लिया और फिर इसने अपनी गाड़ी टर्न कर ली। चलो अब लगाते हैं पार्किंग और आपको मिलाऊंगा अपने उस नए दोस्त से भी अभी, जो मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को दिखाया था। तो सफर खत्म हो गया, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इस प्रोफेशन की। कभी और किसी लंबे सफर पर रहा तो जरूर आपसे बाकी चीजें भी शेयर करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, दिस इज एनफ टू हैव अ फील, एक ऐसा फील लेने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल प्रोफेशन होता है टीचिंग प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन को जो हमने बाय चांस प्रोफेशन बनाया हुआ है, इसको बाय चॉइस बनाने के लिए ये रीजंस शायद आपको हेल्प करें। और अब मैं आपको मिलवाऊंगा अपने उस दोस्त से। देखो जरा, देखो जरा। हाय, हेलो, आई एम गुड बॉस। ए ए ए, देख रहे, ए देखो, इस घोंसले में, इस घोंसले में कुग्गी बैठी हुई है ना, यही है मेरा दोस्त। हाय, हेलो, आई एम बैक। See you, lady who was trying to. This lady was trying to steal my parking. I caught her red-handed. तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से कैसी opportunities हमें स्कूल में मिल सकती हैं, और मैं आपको इसी तरह की opportunity भी शो करूंगा। एक देखना, ये बच्चों से मैं कैसे बास्केटबॉल सीखूंगा, ये मुझे बास्केटबॉल सिखाएंगे और आप लोग भी थोड़ा मैच का एंजॉय करना। Yes. Okay, which let's do this. I am feeling good. Am I right, Hopes? Am I right? We have a friend to win. Wait, who got first pick? What the heck? Hey, who got first pick? Hey, hold on. Hey, get the ball. Hey, get the ball. Get the ball. I'm gonna throw it up. I'm gonna throw it up. Hey, I'm gonna throw it up. I'm gonna throw it up. Got to jump. I'm gonna throw it up. Me? Okay, fine. Who's gonna jump? Who's gonna jump? We both gonna jump. I got the ball. He shoots. Oh, they broke a crossover. That's right. Damn, that's a call. Damn. All right. Can't get the ball. Jay got the ball.
Bro, what? He shoots. He scores. Yes, sir. Listen, Mr. Kumar. Yes, sir.